पूरे देश में आज गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन कराया गया, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए अपील की और साथ ही सभी से बातचीत भी की। तो इस दौरान मुरादाबाद के पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन भी कराया गया, जहाँ पर सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ पहुँचाने तक उनसे बातचीत भी की गई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का ये कहना है कि उद्देश्य यही है कि सभी को लाभ पहुँचे। मुरादाबाद के पंचायत भवन में वर्चुअल माध्यम से आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही 14 जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। वर्चुअल माध्यम से पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेश के तमाम जनपदों के लाभार्थियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल में शिमला से चुनिंदा लाभार्थियों से बातचीत की। हालांकि जनपद मुरादाबाद के किसी लाभार्थी से मोदी योगी ने संवाद नहीं किया। गरीब कल्याण सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कुल 14 योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में करीब 1000 लाभार्थी शामिल हुए, जिसमें से विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने वाली 40 महिलाओं को साड़ी प्रदान कर सम्मानित किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम में पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमजन के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में शिमला में आयोजित कार्यक्रम के द्वारा सीधे जुड़े। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा 8 साल पूरे होने और प्राप्त की गई उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही लद्दाख, गुजरात, त्रिपुरा, बिहार और कर्नाटक राज्यों में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वालों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। स्थानीय स्तर पर पंचायत भवन सभागार के अलावा विकासखंड स्तर पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लाभार्थियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री उनसे भी सीधा संवाद करेंगे, लेकिन किसी लाभार्थी से बातचीत नहीं हो सकी। हम देखेंगे पहले की तुलना और आज की तुलना में जिस तरीके से वोट तो सभी लोग देते चले आए, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, गरीबों में एक आशा की किरण जगी है। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, एक लाभार्थी से जब चर्चा हो रही थी कि आपका मकान बन गया, लेकिन आसपास जो आपके लोग हैं क्या वो सोचते हैं हमारा मकान बने? तो धैर्य रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोई भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसकी अपनी छत ना हो, ऐसा देश का पड़ा। तब हम कहते हैं मोदी नवयुग का निर्माता है, मोदी नवयुग का निर्माता है, और ऐसा महापुरुष इस युग में एक बार ही आता। मैं बहुत ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, सभी योजनाओं की जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। क्योंकि मैं आंवला का सांसद, बरेली का सांसद हूं, मेरा बरेली और बदायूं दो जिले आते हैं। रात प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से मुझको सूचना आई थी कि आपको इस कार्यक्रम में कल मुरादाबाद रहना है। उसी उद्देश्य को लेकर के मैं मुरादाबाद आया था। मैं यहाँ जो कार्यक्रम में मुख्य रूप से बरेली से सांसद धर्मेंद्र कश्यप, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, सीडीओ आनंद वर्धन, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए आज बेसिकली गरीब कल्याण सम्मेलन था, जिसपे भारत सरकार की 13 योजनाएं और राज्य सरकार की 2 योजनाएं, कुल 15 योजनाओं के लाभार्थी हर जनपद में मुख्य जिला स्तर पर और विकासखंड स्तर पर एकत्रित किए गए थे। इस कार्यक्रम के पीछे मंशा थी कि जो लाभार्थी हैं उनको सही सही योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ इन लाभार्थियों से भी अपील की गई कि जो और छूटे हुए लाभार्थी हैं जिनको इस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको भी इस बारे में जानकारी दी जाए। तो कुल मिलाकर के आज का जो कार्यक्रम रहा पूरी तरह से सफल रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी लाभार्थियों को संबोधित किया।